हम ज़रा ये अभी चैप्टर नंबर वन थोड़ा सा आज पढ़ लेते हैं। चैप्टर नंबर वन जो है ना, उसका नाम है स्ट्रक्चर ना। अब स्ट्रक्चर को अगर आप देखें ना, तो इसमें ये तीन चीज़ें पढ़ा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर, लर्निंग अबाउट मार्कअप्स एंड टैग्स एंड एलिमेंट्स। देखो, कोई भी जब बिल्डिंग वगैरह भी तैयार होती है ना, तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर, ग्रे स्ट्रक्चर जिसको हम कह रहे होते हैं, मतलब सरिया लगा के, सीमेंट लगा के वो एक बेस तैयार हो जाती है, उसके ऊपर फिर वो घर बनता है, ठीक है। या स्ट्रक्चर इसको भी कह सकते हो तुम, कि जैसे ये रूम जब बना होगा तो जाहिर है ब्लॉक से पहले इसको एक शेप दिया गया होगा, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर उसकी बात हो रही है। तो इसी तरह जब कोई वेब पेज भी बनता है, ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके सामने ये github.com का ये इतना अच्छा सा पेज खुला हुआ है, या गूगल मीट का पेज खुला हुआ है, तो इसका भी किसी ना किसी पॉइंट पर ना ग्रे स्ट्रक्चर रहा होगा, राइट, ठीक है। जैसे ये एक वेबसाइट है, तो इसका किसी ना किसी टाइम पे ग्रे स्ट्रक्चर रहा होगा, तो ये उस वाले स्ट्रक्चर की बात हो रही है। अच्छा, लर्निंग अबाउट मार्कअप्स, मार्कअप्स हम थोड़ा सा देख चुके हैं पहले भी कि मार्कअप्स क्या होता है। कोई बताना चाहेगा मार्कअप्स क्या? मैंने बताया था, रिपीट करना चाहेगा? हाँ, मार्कअप ये होता है कि कोई भी लिखी हुई चीज़ है, जो जर्नल बनाते थे हम, तो उसमें किसी चीज़ के नीचे अंडरलाइन लगा दिया, किसी को हाईलाइट कर दिया, तो इस चीज़ों को हम जर्नल लैंग्वेज में मार्कअप कहते हैं, ठीक है। तो भाई वही चीज़ हमें, अब मिसाल के तौर पे इसी चैप्टर में अगर हम आगे आए, तो आगे इन्होंने ना ये फ़ोटो दिखाई हुई है वहाँ पे, अपडेट थोड़ी देर में हो रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने ये फ़ोटो दिखाई हुई है, तो एक न्यूज़पेपर है जो पेपर पे छपा हुआ है, अच्छा, और उसके साथ साथ एक टैबलेट है जिसमें उसी न्यूज़पेपर का एक सॉफ्ट कॉपी, एक वेब वर्जन उसके अंदर खुला हुआ है, एक वेब पेज है जो कि उसी न्यूज़पेपर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे अभी हमारे पास एक्सप्रेस न्यूज़ है, जंग न्यूज़ है, तो इन सब की वेबसाइट भी बनी हुई है, आप जाते हैं उसकी वेबसाइट पर, वहाँ पर भी आ रहा होता है। जैसे आपका जो ट्रिब्यून, एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, वो बड़ा, वो ऑनलाइन अब लिखते हैं सारे ना, वो तो एक तो एक बार छपता है उनका, लेकिन अलग से भी आर्टिकल उनकी वेबसाइट पर चल रहे होते हैं, तो ये उसी तरह की कोई चीज़ है, दी गार्जियन करके है ये। तो ये हम जो पहले जिक्र कर रहे थे कि यार जब वेब आई शुरू शुरू में, लोगों ने कहा हम जो पंपलेट छापते हैं, हमें क्या चाहिए उसका सॉफ्ट वर्जन, इसी के ऊपर अगर आ जाए तो बेस्ट है। तो उसके लिए इन्होंने फिर मार्कअप लैंग्वेज डिज़ाइन की, जिसका नाम HTML रखा गया। तो अब ये जो पेपर है ना, असल में इसी चीज़ को अब कन्वर्ट किया जा रहा है वेब वर्जन के अंदर, ठीक है। इसका HTML के ज़रिए इसको हमने वेब पेज में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, स्ट्रक्चरिंग वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट, ये MS Word की बात हो रही है ना। तो अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरह से आप क्या करते हैं, MS Word में कोई भी हेडिंग है, आपने क्या करना होता है उसको, हेडिंग 1, 2, 3 आप कर देते हैं, तो ये मार्कअप ही असल में इस्तेमाल हो रहा होता है। तो वही सारे काम जो आप MS Word में कर सकते हैं, वही सारे काम आप HTML में भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी यही इसी का रिप्लेसमेंट HTML में कैसे होगा, वो इन्होंने आगे बताया हुआ है। अच्छा, आप सब लोगों ने लेकिन माशाल्लाह CV अपनी बना ली है, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ें तो आप इस्तेमाल कर चुके हैं, हेडिंग, पैराग्राफ्स, बुलेट पॉइंट्स, राइट, ये आप सब लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। हाँ, तो वो एक तमाम मार्कअप की एक लिस्ट मैंने आपको दी थी, उसमें से आपने काफ़ी चीज़ें देख ली होंगी, तो अब ज़रा उसी को हम पढ़ रहे हैं, वो हम कर तो चुके हैं ऑलरेडी, थोड़ा सा हम देख लेते हैं बुक में कैसे बताया हुआ। तो ये जो हेडिंग वगैरह यहाँ पे बताई हुई है इन्होंने, वही यहाँ पे वेब पेज पे सेम काम, सेम रिजल्ट इन्होंने वेब पेज पे प्रोड्यूस किया हुआ, अगर आप अपनी बुक में देखें। अच्छा, हम और इससे आगे चलते हैं, तो इन्होंने एक और हेडिंग लगाई है कि HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द पेज, जो इस पूरे चैप्टर में जो इसने बात कंक्लूड की है कि HTML क्या करता है, डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर ऑफ पेज, कि पेज का स्ट्रक्चर होगा कैसा, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है कि यार कहाँ पे सीढ़ी होगी, अच्छा यार यहाँ पे रूम होगा, यहाँ पे वॉशरूम होगा, यहाँ किचन होगा, ठीक है। हाँ, जैसे अब यहाँ पे विंडोज़ लगी हुई है सामने, तो ये स्ट्रक्चर बनाते हुए डिसाइड हो गया था कि यार यहाँ पे विंडो होगी। तो HTML क्या करता है, डिसाइड करता है कि स्ट्रक्चर क्या होगा पेज का, ठीक है। अच्छा, इस HTML को ज़रा अगर हम थोड़ा सा और से देखें, तो इसमें HTML का ये मार्कअप स्टार्ट है, और ये मार्कअप HTML का यहाँ पे ख़त्म है, ठीक है। और इसके दरमियान में ना ये पूरी बॉडी है, ठीक है। अब बॉडी क्या चीज़ होती है जो स्क्रीन पे नज़र आ रही होती है, वो आगे इसने मेंशन भी किया हुआ है। अच्छा, अब उस बॉडी के अंदर एक हेडिंग है H1 करके,
उसके बाद एक पैराग्राफ है, फिर एच टू है, फिर एक पैराग्राफ है, फिर एच टू है, फिर एक और पैराग्राफ है, ठीक है। तो उसका जो रिजल्ट है वो एक्चुअली हम पहले ही देख चुके हैं, वो कुछ इस तरह का ही रिजल्ट इसके अंदर बन के हमें नज़र आएगा। अच्छा, तो ये तो हो गई कुछ थियोरेटिकल बातें, कुछ तमीज़ी गुफ्तगू हो गई। अब हम आहिस्ता आहिस्ता उसमें डीप डाइव करते जा रहे हैं, जूम इन करते जा रहे हैं। अभी तो हमने बर्ड आई व्यू देखा था कि अच्छा यार HTML स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। HTML यूजेस एलिमेंट्स टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पेजेस। अब HTML क्या यूज़ करता है, कैसे स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है, अब वो बात हो रही है। कह रहा है HTML यूज़ करता है एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट्स क्या है, जिसको हम मार्कअप्स कह रहे थे ना, H1 पैराग्राफ, ये सारे मार्कअप्स थे हमारे, तो उनको असल में एलिमेंट्स कहते हैं यहाँ पे, मतलब टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं उसके लिए एलिमेंट्स। अब देखो एलिमेंट यहाँ पे कौन कौन सा है, एक है HTML का एलिमेंट, उसके बाद एक है बॉडी का एलिमेंट। अब बॉडी का एलिमेंट स्टार्ट कहाँ से और एंड कहाँ पे, ये एक लाइन लगा के आपको बताया जा रहा है। अगर आप अपनी बुक में देखें पेज नंबर 21 जो यहाँ पे मेंशन हुआ है, ये वहाँ की बात हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद ये जितने भी स्क्वायर बॉक्सेस है ना, ये एक्चुअली एक एक एलिमेंट है, ठीक है। पेज नंबर 21 ज़रा सब अपनी स्क्रीन पे ज़रा खोल लें ताकि आपको नज़र आता रहे ना, ठीक है, करीब से, क्योंकि ये तो दूर है स्क्रीन, इसमें उस तरह से आपको दिख नहीं रहा होगा कि क्या एक्चुअल में लिखा हुआ है। सही है, वो असल में दो पेज के हिसाब से बनाया हुआ है, तो हर एलिमेंट के आगे लिखा हुआ भी है कि वो कर क्या रहा है, ठीक है। आप सब ये लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ये वाली चीज़ें। अब जो उसके बाद वाला पेज है जिसमें एक बड़ा सा पी लिखा हुआ है, अब उसमें जो एलिमेंट है ना उसको करीब से दिखाया जा रहा है, ठीक है। अगर हम करीब से एलिमेंट को देखते हैं, ठीक है, इस छोटे वाले पेज पे मैं वापस चला जाता हूँ, तो आप देखें एक छोटा सा ना यहाँ पे क्या है, अगर मैं ये जो मेरा जो एलिमेंट है ना उसमें एक ये चीज़ है और एक ये चीज़ है, ठीक है। एक पी लिखा हुआ है एंगल ब्रैकेट के साथ और एक फिर बैक स्लैश के साथ फिर पी दोबारा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन थोड़ी देर से अपडेट हो रही है, वेल तो उसी पे ना अब क्लोज़र लुक आ रहा है, कौन से पेज पे, पेज नंबर 23 पे। अब क्लोज़र लुक में ये क्या बता रहे हैं, इसको ये कह रहे हैं टैग्स, जो एक एलिमेंट है ना वो दो टैग से मिलके बनता है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। अगर आप वापस में जाता हूँ और वापस जाके अगर मैं यहाँ पे वॉर से अगर देखता हूँ, तो हेडिंग वन पे आप गौर करें जो एच वन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे स्क्रीन ही देर से अपडेट हो रही है बेचारी। हाँ, ये दिस इज़ जो मेन हेडिंग जिस पे लिखा हुआ है ना, दिस इज़ मेन हेडिंग, इसमें ये शुरू हो रहा है एक एच वन से और ये आखिर में क्लोज हो रहा है एक एच वन से। ये दोनों जो है ना ये थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं। अब वो हाँ, एक में स्लैश लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये दो टैग्स हैं, इसको मिला के ना ये एक एलिमेंट बनता है, दो टैग्स को मिला के एक एलिमेंट बनता है या मार्कअप बनता है, एक ही बात है। एलिमेंट और मार्कअप असल में एक ही चीज़ है, लेकिन आपको ना बुक में कहीं पे मार्कअप लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि टर्मिनोलॉजी असल में वो एलिमेंट इस्तेमाल होती है सब जगह ना। वो मार्कअप मैंने समझाने के लिए कहा था ताकि आपको आसानी से समझ आए, और वो HTML में भी M फॉर मार्कअप ही है, लेकिन वो मार्कअप आपको बुक में लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इतने सालों में ना ये लैंग्वेज इवॉल्व हो गई है, बुक्स इवॉल्व हुई हैं, तो जो स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है वो एलिमेंट्स करके अब उसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये टैग पे हम वापस आ गए ना, अ क्लोज़र लुक एट टैग्स। टैग्स को ज़रा हम करीब से देखना चाह रहे हैं। टैग कैसा होगा, एक होगी एंगल ब्रैकेट, बीच में एक कैरेक्टर होगा या दो कैरेक्टर भी हो सकते हैं या समटाइम तीन चार कैरेक्टर भी हो सकते हैं, उसके बाद एक एंगल ब्रैकेट क्या होगी, क्लोज हो रही होगी, राइट और लेफ्ट एंगल ब्रैकेट के बीच में एक कैरेक्टर होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टैग, ठीक है। अच्छा, ये है ओपनिंग टैग, सही है, ये वाला जो है वो ओपनिंग टैग है। अच्छा, अब ज़रा नीचे चलेंगे ना, तो ये वाला क्लोजिंग टैग है, इसमें एक एडिशनल स्लैश यहाँ पे मौजूद है जो ओपनिंग में मौजूद नहीं था, ठीक है। तो ये पेयर होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग का पेयर होता है, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, एक एलिमेंट बनता है, ठीक है। और इन ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में जो टेक्स्ट लिखा हुआ होगा उस पर इफेक्ट आ रहा होगा इस मार्कअप का। मिसाल के तौर पे अगर मैंने H1 का एलिमेंट बनाना है, तो मैं H1 को ओपन करूँगा और H1 को क्लोज करूँगा, और उसके दरमियान में जो चीज़ लिखी हुई होगी वो H1 के मार्कअप का इम्पैक्ट जो है या इफेक्ट है, वो उस टेक्स्ट पे नज़र आ रहा होगा जो ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में, ठीक है।
तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग समझ आ गया। अभी पी लिखा हुआ है लेकिन कोई और भी हो सकता है, H1 भी हो सकता है, डिव भी हो सकता है, बहुत सारे और भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं या मार्कअप्स हैं जो हम लिस्ट हमने देखी थी लास्ट क्लास में। अच्छा, अब उसके बाद होते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं? एट्रीब्यूट टेल अस मोर अबाउट एलिमेंट्स। एलिमेंट के बारे में ना हमें मज़ीद बताते हैं कि वो उस एलिमेंट को दिखाना कैसे। एक तो हमने भाई ये कह दिया ना कि यार H1 का मतलब है कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको बड़ा करके दिखा दो, हेडिंग के तौर पे दिखा दो। लेकिन साथ साथ मैं उसको ये भी कहना चाहता हूँ कि इस हेडिंग को क्या करो, रेड कलर करके दिखा दो, या बोल्ड के लिए तो चलो दूसरा मार्कअप है लेकिन उसको रेड कलर करके दिखा दो, या इस तरह की कोई और बात मैं कहना चाहता हूँ अगर। तो एट्रीब्यूट के बारे में ये कह रहे हैं कि एट्रीब्यूट टेल अस मोर अबाउट द एलिमेंट्स। अच्छा, मिसाल के तौर पर इन्होंने एक यहाँ पर एट्रीब्यूट लगाया हुआ है, अगर आप देखें पेज नंबर 25 पे, तो इसमें लिखा हुआ है लैंग्वेज इक्वल्स टू EN-US। ठीक है, तो ये लैंग्वेज जो लिखा हुआ है LANG, दिस इज एट्रीब्यूट नेम, और इसके आगे जो वैल्यू लिखी हुई है ये है एट्रीब्यूट वैल्यू। सही है। अच्छा, इस एट्रीब्यूट से क्या असल में बताया जा रहा है HTML को? ये बताया जा रहा है कि ये पैराग्राफ जो है वो किस लैंग्वेज में है, इंग्लिश US। सही है, EN-US। ये लैंग्वेज कोड होते हैं, हर लैंग्वेज का कोड एक पहले से डिसाइड हुआ होता है ISO में और पता नहीं किस में, तो ये वो वाला कोड। तो अभी जब भी ये किसी ब्राउज़र में खुलेगा ना, तो उस ब्राउज़र को क्या पता चल जाएगा कि ये पैराग्राफ किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप समटाइम देखते होंगे कुछ वेबसाइट्स खोलते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसलेट का पॉपअप आ जाता है, वो इसी को देख कर आ रहा होता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से लैंग्वेज जो है वो FR करके वो फ्रेंच भी बताया जा सकता है, और एक फ्रेंच में पैराग्राफ यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब ये बिल्कुल ना बेसिक जो स्ट्रक्चर वाले मार्कअप्स हैं ना, ये आप लोग पहले कर चुके हैं, बस ये हम ज़रा देख रहे हैं कि बुक में ये कैसे बताया हमें। एक बॉडी है। अच्छा, ये बॉडी हम खुद से तो नहीं बना रहे थे, लास्ट क्लास में हमने जो बॉयलर प्लेट लिखा था ना, जो एक्सक्लेमिनेशन मार्क लिख के हम टैब दबा देते थे, तो बेसिक HTML थोड़ा सा खुद ही लिखा हुआ आ जाता था, तो ये बॉडी उसमें पहले से बनी हुई आ जाती थी। लेकिन बॉडी के बारे में क्या कह रहे हैं ये कि इन द फर्स्ट एग्जांपल वी क्रिएटेड एवरीथिंग इनसाइड दिस एलिमेंट शो इनसाइड द मेन ब्राउजर विंडो। बॉडी के अंदर जो भी बात लिखी जाएगी वही आप एक्सपेक्ट करें कि वो स्क्रीन पर नजर आएगी, यानी कि स्क्रीन पर दिखाने वाली जो चीज़ें हैं वो हमें बॉडी के अंदर लिखनी। अच्छा, उसके बाद है हेड भी हमने खुद नहीं लिखा था, वो हमने बॉयलर प्लेट जो लिखा था वो उसमें पहले से लिखा हुआ था। अच्छा, बॉयलर प्लेट वैसे पता है सब लोगों को क्या होता है? हाँ, मैं 2-3 बार मैंने ये वर्ड यूज़ किया, तो तुम लोगों को पता है ये वर्ड इसका मतलब क्या होता है? मैं जैसे कह रहा हूँ ना कि हम बॉयलर प्लेट लिखते हैं तो उसमें पहले से आ रहा होता था। हाँ लिखो, हाँ करो, वो करो, डेफिनेशन देखो गूगल से, सब लोग जरा सर्च करो जल्दी से डेफिनेशन। हाँ, रोलर्स, पता नहीं कौन सी डेफिनेशन। मोर करो ना, मोर डेफिनेशन करो ना, सॉफ्टवेयर वाली डेफिनेशन अलग से आएगी। ये नीचे आ रहा है ना मोर डेफिनेशन का बटन, इस पर क्लिक करो। अच्छा, बता देता हूँ मैं, देखो अगर मैं कोई भी ऐसा वर्ड यूज करूँ ना जो पता ना हो जिसका मतलब, तो फौरन पूछ लिया करूँ। ठीक है, क्योंकि सम टाइम मैं बेध्यानी में बोलता चला जाता हूँ, फिर सामने से मेरी बात ही समझ में आया तो बेकार है। तो पूछ लिया करो कि सर ये आपने वर्ड यूज़ किया, ये इसका मतलब क्या होता है? देखो, बॉयलर प्लेट जो है वो हम ऐसे कोड को कहते हैं जो हमें क्या करना होता है, हमें चाहिए होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें लाजमी वो कोड चाहिए होता है, उसको हम कहते हैं बॉयलर प्लेट। सही है, है? हाँ नहीं, मैं मिसाल देकर समझाता हूँ। देखो, एक बर्गर वाला है। सही है, बर्गर वाले के पास ना एक प्लेट होती है, प्लेट असल में तवे को कहते हैं, तवा जो होता है ना उसको प्लेट, उसको भी कहते हैं और भी चीज़ों को कहते हैं, खाना खाने वाली प्लेट होती है, तो ये वो तवे वाले प्लेट की बात हो रही है एक्चुअली।
तो बर्गर वाले के पास क्या होती है, एक प्लेट होती है, एक तवा होता है, वो तवा होता है मोटा। तो वो जैसे ही आता है ना, बर्गर वाला दुकान खोलता है जब, तो वो तवे पे एक हल्का सा कपड़ा मार के, ज़्यादा साफ भी नहीं, ज़्यादा साफ करेगा वो गर्म होने के बाद, वो हल्की आँच पे उसको जला के छोड़ देता है। अब वो तवा ना जल्दी से गर्म होगा नहीं, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसको जल्दी से गर्म करना। अगर वो आँच तेज़ करेगा ना तो वो लोहा जलना शुरू हो जाएगा, और वो फिर जहाँ पे आग लग रही है वो जगह पतली होनी शुरू हो जाएगी, और वो फिर सुराख हो जाएगा तवा में अल्टीमेटली। तो वो उसको तेज़ आँच नहीं कर सकते, आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो उसको फिर जो है ना स्लो आँच करके ना वो छोड़ देते हैं। अब वो आधा घंटा लगता है उसको गर्म होने में, इतने में वो दूसरी चीज़ें सफाई वफाई करके उसके बाद वो शुरू करता है। तो अब बर्गर वाले के पास ना ये आधा घंटा उसने ज़ाया करना ही करना है शुरू में, उसके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं कि शटर उठाया और बर्गर बनने शुरू हो गए, ये वाला काम नहीं हो सकता। या तो कोई स्मार्ट होम लगाए कि भाई घर से निकलते भी बोले ए सीरी टर्न ऑन माई चूल्हा, तो पहले ही। लेकिन उसमें फिर हो सकता है उसके आने तक वो तवा तो गर्म हो, पूरी दुकान भी गर्म हो जाए साथ में, तो ऐसी कोई शटर खोले धड़स। तो वो आधा घंटा उसने रोज ज़ाया करना है वो तवे को गर्म करने में, ज़ाया ही हुआ ना भाई। वो आके आधे घंटे वेट कर रहा है खड़ा होके, वो बेचारा मजबूरी में वो टाइम पास कर रहा है, इधर उधर झाड़ू वाड़ू मार के। सही है। तो उसके पास जो है ना कोई ऑप्शन नहीं है इस चीज़ को स्किप करने का, इस चीज़ को क्या कहते हैं ख़त्म करने का कोई ऑप्शन नहीं है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और दुनिया की हर फील्ड के अंदर जब भी आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो आपको इसी तरह एक ना ग्राउंड बिछाना होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको हर दफ़ा चाहिए होती हैं। सही है। कुछ मिसाल के तौर पर कोई भी वेब पेज बनाओगे तो ये हेड बॉडी ये सब तो बनाओगे ना पहले, क्योंकि बॉडी के बारे में इसने क्या कहा कि बॉडी में वो चीज़ जो भी होती है बॉडी में वो स्क्रीन पे दिखती है। तो इसका मतलब बॉडी बनाओगे उसके अंदर लिखोगे, जब ही स्क्रीन पे दिखेगी ना वो, उसके बगैर तो दिखेगी नहीं। तो बॉडी आपको हर दफ़ा बनानी है। तो ये कोड फिर क्या हुआ, ये कोड हुआ बॉयलर प्लेट। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के उसके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ना इसका हल है, आपको आधा घंटा इंतज़ार नहीं करना, आप वो वाला कोड जो बॉयलर प्लेट है पहले से ही लिख के रख लेते हैं। ठीक है, आप जैसे ही आते हैं तो आपको प्लेट क्या मिलती है, पहले से बॉयल हुई भी मिलती है। आप लिखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क और टैब दबाते हैं, वो ठक लिखा हुआ आ जाता है सारा। तो उस कोड को जो आपको हर दफ़ा चाहिए किसी भी सॉफ्टवेयर को शुरू करने में, वो बॉयलर प्लेट कहलाता है। ठीक है, अभी तो बॉयलर प्लेट आपका थोड़ा सा, जब आप ज़ाहिर है थोड़ा लेवल आपका आगे बढ़ेगा तो बॉयलर प्लेट आपका बड़ा होगा। मिसाल के तौर पर दुनिया की क्या कोई ऐसी ऐप है जिसमें लॉग इन साइन अप ना होता हो, तो इसका मतलब है लॉग इन साइनअप क्या हुआ, बॉयलर प्लेट कोड हुआ। सही है। इसी तरीके से कोई भी ऐसी ई कॉमर्स की ऐप है जिसमें करंट ऑपरेशन ना होता हो, करंट ऑपरेशन मतलब क्रिएट एडिट डिलीट और जो भी होता है चार होते हैं ये ना होता, तो ये भी बॉयलर प्लेट है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हर बार बार आपको हर ऐप में उसको चाहिए होता है, तो आप वो पहले से ही बना के रख लेते हैं एक जगह और वहाँ से आप देख के उसको यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कोड को हम बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। तो ये मैंने बर्गर वाले की मिसाल देके समझाइए ताकि आपको ये याद रहे। अच्छा भाई, अब और आगे चलते हैं ज़रा इसमें। अच्छा, अब इसने बताया हेड, हेड के बारे में यानी क्या हो रहा है, ये जूम इन किया था ना मैंने स्क्रीन को। अच्छा, हेड के बारे में क्या बता रहे हैं, बिफोर द बॉडी एलिमेंट, हेड कहाँ पे होना चाहिए, बिफोर बॉडी एलिमेंट होना चाहिए। विल ऑफन सी हेड, कह रहे हैं बॉडी के एलिमेंट से पहले अक्सर आप देखेंगे हेड लिखा हुआ है, और देखेंगे क्या, आप ही लिखेंगे मतलब, या बॉयलर प्लेट में लिखा हुआ होगा पहले से। वेल, दिस कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज, ये जो हेड है इसमें जो इंफॉर्मेशन होगी ये क्या होगी, अबाउट द पेज, स्क्रीन पर नहीं दिखेगी वो इंफॉर्मेशन। अच्छा, क्या अबाउट द पेज क्या, रैदर देन इंफॉर्मेशन दैट इज शोन विद इन द मेन पार्ट ऑफ द ब्राउजर दैट इज हाईलाइटेड इन ब्लू और अपोजिट पेज। पता नहीं क्या इसने बोला। वेल, इधर तवज्जो हो जाए थोड़ी सी। हाँ, अच्छा, तो अब जैसे ये टाइटल लिखा हुआ है ना, ये ब्राउजर की मेन विंडो के अंदर नजर नहीं आएगा, ये टाइटल कहाँ नजर आता है, ऊपर टैब में नजर आ रहा होता है। ठीक है,
ठीक है। इसी तरह इसमें कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कुछ मेटा के टैग्स होते हैं, अभी वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। कुछ SEO के टैग्स होते हैं, कुछ कीवर्ड वाले टैग्स होते हैं, तो वो स्क्रीन पर नज़र नहीं आते, लेकिन उसका कुछ ना कुछ पर्पस होता है ऑब्वियसली। अच्छा, ये अब आपको देखें लाइन पेज नंबर अगर आप देखें ना 28, जो पेज बुक के कोने पे यहाँ पे लिखा हुआ है 28, अगर इस पेज पे आप देखेंगे तो आपको एक स्क्रीन बना के दिखाई है इसने ब्राउज़र विंडो की। उसमें ये बता रहा है कि यार कहाँ से लेके कहाँ तक ना बॉडी है, ये ब्लू कलर से हाईलाइट करके बता रहा है, और रेड कलर से हाईलाइट करके बता रहा है कि वो टाइटल जहाँ पे दिख रहा है ना वो जगह दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्रिएटिंग अ वेब पेज ऑन PC के अपने कंप्यूटर में आपको एक वेब पेज कैसे बनाना है, ये आप सब लोग अपनी एक CV का वेब पेज बना के इंटरनेट पे होस्ट वगैरह सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है। अभी समझ रहे हो इस बुक के हिसाब से चलते तो कितना स्लो चलते हैं, तो बस ये अभी स्टेप बाय स्टेप बता रहा है कि फाइल क्रिएट करो और ऐसे करो और नेक्स्ट करो और नेक्स्ट करो, ये सब हम कर चुके हैं, ठीक है। और हाँ, होस्टिंग सर्विसेज और भी होती हैं गिटहब के अलावा भी होती हैं, लेकिन फिलहाल मैंने गिटहब पे इसलिए आपको गिटहब पेजेस है एक्चुअली वो गिटहब पेजेस पे आपको इस वजह से होस्टिंग करवाई है कि वो सबसे आसान है, समझने के अतबार से भी आसान है और करने के अतबार से भी आसान है और फ्री भी है, ठीक है। तो इस वजह से फ़िलहाल वो करवाया, इन फ्यूचर हम दूसरी होस्टिंग सर्विसेज भी इस्तेमाल करके देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये अब इसकी कुछ समरी बता रहे हैं कि भाई HTML पेजेस आर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। HTML का जो पेज होता है वो क्या होता है, एक सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, दैट्स इट। जब भी वो टेक्स्ट एडिटर पे खुल जाता है, हम टेक्स्ट एडिटर पे उसको एडिट कर रहे होते हैं, जो हम विजुअल स्टूडियो कोड जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, वो एक टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। वो टेक्स्ट एडिटर है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है, उसमें कुछ ऐसी सहूलियात हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको बड़ी काम आती हैं, जैसे कि थोड़ी बहुत ऑटो कंप्लीट हो जाती है, थोड़ी बहुत सजेशन दे देता है, कोई एरर हो तो नीचे बता देता है, तो इस तरह की कुछ उसमें फैसिलिटीज़ हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो एक टेक्स्ट एडिटर है। आप वही सारे काम अगर नोटपैड पे करें या किसी दूसरे टेक्स्ट एडिटर पे करें, दैट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन उसमें ये होगा आपको कोई सजेशन नहीं मिलेगी, काफ़ी आपको मुश्किल का सामना होगा। कोडिंग के लिए कोई फैसिलिटी नोटपैड में ज़ाहिर है नहीं दी हुई उन्होंने, लेकिन इसमें दी हुई है, ठीक है। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड है, हम ये टेक्स्ट एडिटर इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि ये पॉपुलर है इस वक्त डेवलपर्स के दरमियान। अगर कोई दूसरा टेक्स्ट एडिटर है किसी को पसंद, या कोई दूसरा टेक्स्ट एडिटर कल को फेमस हो जाएगा, तो हम वो यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो HTML के जो पेजेस हैं वो एट द एंड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें .html लगा हुआ है इसलिए वो ब्राउज़र पे खुल रहा होता है। HTML यूजेस टैग्स टू गिव द इंफॉर्मेशन दे सराउंड स्पेशल मीनिंग। कह रहे हैं कि HTML का जब हम टैग लगा देते हैं ना किसी भी इंफॉर्मेशन के शुरू में और आखिर में, जब HTML का हम टैग लगा देते हैं तो इट डज़ मीन समथिंग, ठीक है। वो और वो क्या मीनिंग होता है, वो जो भी टैग लगा होगा उसके अकॉर्डिंग होता है। अगर वो H1 है तो उसका मतलब है कि उस जिस इंफॉर्मेशन के शुरू में और आखिर में H1 का टैग और ओपनिंग क्लोजिंग हुई भी है, उसका मतलब है उस इंफॉर्मेशन को हेडिंग बना दो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द टैग जो भी होगा उस पर उसका मीनिंग उसकी नज़र आती है। टैग्स आर ऑफन रेफर्ड एज एलिमेंट्स। कह रहे टैग्स, जो टैग्स का मतलब है कि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को मिला के एस लगा हुआ ना टैग्स, तो ये एक टैग की बात नहीं हो रही है, दोनों टैग की बात हो रही है। कह रहे दोनों टैग को मिला के ना इसको एलिमेंट बोलते हैं, सही है। दोनों टैग को यानी ओपनिंग और क्लोजिंग को मिला के हम इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। अच्छा, एलिमेंट को मार्कअप भी हम कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फेमस वर्ड जो वो एलिमेंट है। टैग्स यूजुअली कम इन पेयर। कह रहा है जो टैग्स होते हैं वो हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो पेयर में आते हैं, कि उसका एक ओपनिंग होगा, क्लोजिंग होगा। कुछ एक दो चार टैग्स ऐसे भी हैं जो सेल्फ क्लोजिंग कहलाते हैं, उसमें एक ही टैग होता है, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता। वेल, अभी तक वो हमने पढ़ा नहीं है। जैसे BR और HR के जो एलिमेंट्स हैं, हाँ वो एक ही होते हैं, वो ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता। अच्छा, ओपनिंग टैग्स कैन कैरी एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट ये बता रहा है कि सिर्फ किस पे लगेगा, ओपनिंग टैग पे ही लग सकता है, क्लोजिंग टैग पे एट्रीब्यूट नहीं लग सकता। एट्रीब्यूट रिक्वायर अ नेम एंड अ वैल्यू। एट्रीब्यूट जस्ट बताया था ना, टैग में लगा हुआ था जो ओपनिंग टैग के अंदर, तो एक आपको चाहिए होता है नाम, एक चाहिए होती है वैल्यू। जैसे थोड़ी देर पहले उसने बताया था लैंग्वेज इक्वल्स टू फ्रेंच FR, ठीक है। तो वो लैंग्वेज क्या था, वो नेम था एट्रीब्यूट का, और FR जो था वो वैल्यू थी उस एट्रीब्यूट की। अच्छा,
टू लर्न एच टी एम एल यू नीड टू नो वट टैग्स आर अवेलेबल फॉर यू टू यूज वट दे डू एंड वेयर दे कैन गो। एच टी एम एल अगर आप पूरी की पूरी सीखना चाहते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में भी जिक्र किया था, ये वही बात यहाँ पर रिपीट हो रही है, तो उसके लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा कि वट टैग्स आर अवेलेबल। ज़ाहिर है चार पांच एलिमेंट्स, चार पांच टैग्स या चार पांच मार्कअप्स तो हमने उसी वक्त चला के देख लिए थे, लेकिन एक पूरी लिस्ट होनी चाहिए कहीं पे कि अच्छा यार ये मार्कअप्स अवेलेबल हैं, इनको ही मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो उसकी एक लिस्ट होनी चाहिए कि कितने सारे मार्कअप्स अवेलेबल हैं, भाई सारे पता चल जाए। वट दे डू, उनमें से हर एक मार्कअप काम क्या करता है। जैसे एच वन तो हमें पता चल गया हेडिंग बनाता है, लेकिन पी क्या करता है, पैराग्राफ बनाता है। आई क्या करता है, इटैलिक कर देता है। इसी तरह बी आर क्या करता है, लाइन ब्रेक कर देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि उनमें से हर एक टैग जो है वो काम क्या कर रहा है, वो कर क्या रहा है, एंड वेयर दे कैन गो, और वो कहाँ कहाँ, वो कहाँ तक जा सकता है, यानी क्या उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है उसकी। मतलब एच वन से आप क्या क्या कर सकते हैं, एच वन से आप हेडिंग बना सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, पैराग्राफ से आप क्या क्या कर सकते हैं, तो वो उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, वेयर दे कैन गो। अच्छा, अब हमारे पास है चैप्टर नंबर टू है टेक्स्ट। अच्छा, हम चैप्टर नंबर टू भी छोटा सा ही है, चुनना मुन्ना सा, वो इतना बड़ा नहीं है। तो हमारे पास वैसे तो 3:30 हो गए, क्लास का टाइम हमारे ख़त्म हो गया, लेकिन 5 मिनट लगा के हम ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, हम ये इसलिए ख़त्म कर रहे हैं कि इसमें भी जो बात लिखी हुई है ना, वो भी हम पढ़ चुके हैं। ये सिर्फ लास्ट वाला हमने ये नहीं पढ़ा, सिमेंटिक एंड स्ट्रक्चरल मार्कअप ये हमने नहीं पढ़ा, ये हेडिंग पैराग्राफ पढ़ चुके हैं हम, बोल्ड इटैलिक एम्फेसाइज ये हम पढ़ चुके हैं। सही है, तो ये जो पढ़ चुके हैं वहाँ तक देख लेते हैं, बाकी जो नया टॉपिक है वो फिर हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे ना सबसे पहले इसने क्या जिक्र कर दिया, एक तो मैंने आपको लिस्ट भेजी थी ना कि भाई ये तमाम मार्कअप की लिस्ट है, वो लिस्ट तो आपको पता चल गई, वो यानी कि जाहिर है उसमें नए पुराने सारे मिक्स हैं उसके अंदर। ठीक है, तो हमें जो तमाम मार्कअप्स को सीखना भी है ना, जाहिर है वो इस बुक में जो जो लिखे हुए हैं ना वो हम सीख लेंगे अच्छी तरह, जो इस बुक में नहीं है ना वो हम सीखेंगे नहीं, लेकिन वो भी मौजूद हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ अब आउट ऑफ डेट हैं, उसको लोग यूज़ नहीं करते इतना। ये बुक जो है इसने इस हिसाब से लिखी है कि मतलब सीखने वाले लोगों के हिसाब से लिखी है। अच्छा, वहाँ पर कोई सीक्वेंस भी नहीं है ना, जो मैंने लास्ट टाइम लिस्ट भेजी थी ना, वहाँ पर कोई सीक्वेंस भी नहीं है, इसने सीक्वेंस के हिसाब से लिखा हुआ है ना बुक। तो बुक में जो लिखा हुआ है ना, एटलीस्ट हमने क्या करना है कि उन तमाम मार्कअप्स को एक एक दफ़ा चला के देखना है, जो आप पहले ही ये वाला तो चला के देख चुके हैं। तो हेडिंग्स जो है वो कह रहा है कि 6 होती हैं, एच वन से लेके एच सिक्स तक, और वो डिस्प्ले किस तरह होती है वो भी यहाँ दिखा रहा है आपको ना। ठीक है भाई, एच वन यहाँ पर है तो एच वन किस तरह से डिस्प्ले होगा ये पहली लाइन में आपको दिख रहा है। तो 6 हेडिंग होती है, 6 लेवल्स होते हैं हेडिंग के, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी यही होता है और यहाँ पर भी यही है, 6 हेडिंग्स होती हैं। पैराग्राफ्स आप बना के देख चुके हैं, पी का टैग ओपन और पी का टैग क्लोज, उसके दरमियान में जो भी बात लिखी हुई है उसको वो एज अ पैराग्राफ ट्रीट करता है। ठीक है, मतलब जहाँ लाइन ख़त्म हो जाए तो उसको अगली लाइन में ले आता है। ठीक है, इस तरह से पैराग्राफ करके ट्रीट कर चुके हैं। हाँ, ये तो हम कर चुके हैं पैराग्राफ्स, है ना। अच्छा, बोल्ड इटैलिक भी आप कर चुके हैं। बोल्ड इटैलिक यानी पैराग्राफ के दरमियान में किसी चीज़ को बोल्ड किया है इन्होंने, देखेंगे, और पैराग्राफ, हाँ ठीक है, आई से इटैलिक कर किया है इन्होंने पैराग्राफ के दरमियान में। अच्छा, कलर के लिए ना हम असल में पढ़ेंगे CSS। ठीक है, कलर के लिए ना हम CSS पढ़ेंगे, वो अभी अगला टॉपिक है। अभी हम ग्रे स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना, स्ट्रक्चर इसने शुरू में इसीलिए बता दिया कि HTML क्या डिसाइड करता है, HTML डिसाइड करता है स्ट्रक्चर क्या होगा। अभी उसमें अंदर की जो कलर वलर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वो फिनिशिंग टचेस, वो HTML से नहीं होगा, उसके लिए CSS है ना। ऑल्दो आप कुछ चीज़ें HTML से भी कर सकते हैं स्टाइलिंग से रिलेटेड, एक्चुअली चीज़ ये थी कि शुरू में ना CSS कोई अलग चीज़ से चीज़ हुआ नहीं करती थी, वो HTML में या BG कलर वगैरह करके देते थे ना, तो बैकग्राउंड कलर उससे चेंज हो जाता था। ठीक है, कलर लिखते थे तो वो टेक्स्ट का कलर चेंज होता था, लेकिन अब इन्होंने जो HTML5 में ना, अब ये रेकमेंडेड है कि आप स्टाइलिंग अलग से करें,
कौन से एच टी एम एल के मार्कअप पे कौन सा कलर होगा, उसका साइज क्या होगा, कितना लंबा कितना चौड़ा होगा वो, और फिर उसमें बॉर्डर होगा, फिर बैकग्राउंड इमेज या कलर होगा, वो सब स्टाइलिंग में उसको काउंट करते हैं, तो वो सी एस एस उसकी अलग से लिखी जाती है। वेल वो भी हम ये ख़त्म करके ना फिर वो पढ़ेंगे। अच्छा, किसी चीज़ को अगर सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट बनाना हो, जैसे हम कहते हैं ना ओ टू, तो ओ टू का जो टू होता है वो नीचे होता है ना लिखा हुआ, तो उसको हम कहते हैं सब स्क्रिप्ट। तो आप यहाँ पे देखें, इन्होंने कुछ फार्मूलाज वगैरह लिखे हैं। हाँ, ये जो फोर है ना, ये जो फोर है और इसके आगे जो टी एच है, इसको सुपर स्क्रिप्ट बनाया हुआ, तो टी एच कहाँ चले जाना चाहिए, थोड़ा ऊंचा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप ये नीचे रिजल्ट में अगर आप देखें तो ये फोर थोड़ा सा ना ऊंचा हुआ हुआ है, रिजल्ट के साथ बिल्कुल दिख रहा है यार ये। अच्छा 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 ये मैं जब जूम करता हूँ ना तो ये पागल हो जाता है, समझ आ गया मेरे, ये जूम ना इसमें सपोर्टेड नहीं है शायद, तो छोटी सी विंडो बना देता है ना उसके अंदर कर रहा होता है वो। वेल, तो ये जो सुपर स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ था ना टी एच, तो इसकी वजह से ये टी एच रिजल्ट में आपको थोड़ा ऊंचा होके दिख रहा है। इसी तरह सी और टू जो है, इसका जो टू है वो नीचे की तरफ है, तो इसका जो टू है ना उसको आप देखें कैसे लिखा है, सब स्क्रिप्ट करके लिखा है, टैग उस पर लगाया सब स्क्रिप्ट, तो वो नीचे हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये हमने कुछ मार्कअप्स पहले से सीखे हुए थे, एक दो हमने और आज सीख लिए। वाइट स्पेसेस का वो क्या करेगा, एच टी एम एल को अगर वाइट स्पेस एनकाउंटर करता है वो, तो वो क्या करेगा, तो एच टी एम एल के अंदर वाइट स्पेस की भाई कोई वैल्यू नहीं है, एक से ज़्यादा वाइट स्पेस अगर आप देंगे तो वो उसको एक ही कंसिडर करता है। अच्छा, तो अगर आपको जानबूझ के स्पेसेस देने हैं तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने तरीका भी मेंशन किया हुआ है कि भाई आप बी आर लगा के ना आप लाइन चेंज कर सकते हैं, एक फासला दे सकते हैं। अच्छा, इसमें भी अगर आपको जानबूझ के इस तरह का स्पेस अगर देना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना द मून और उसके बाद काफ़ी सारा स्पेस है और फिर लिखा हुआ है इज़ ड्रिफ्टिंग, ये मैं मौजूद हूँ इस वक्त लाइन नंबर कौन से पे, 47 पे मौजूद हूँ। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह का इसमें स्पेस जानबूझ के देना है अगर, तो उसके लिए क्या करते हैं, एम परसेंट और एन बी एस पी का एक कोड होता है वो लगा देते हैं, वो भी इस बुक में आगे इन्होंने उसका जिक्र किया है किसी पॉइंट पर, तो वो आप लगाते हैं, तो आप उसके ज़रिए ना फिर स्पेस मेंशन करते हैं कि अच्छा यार मुझे कितने स्पेसेस यहाँ पे देने हैं। बी आर तो लाइन को ब्रेक कर देता है ना, अगली लाइन में आ जाता है। बी आर आपने लगा के देखा होगा ना सी वी में, तो बी आर का इस्तेमाल हुआ होगा लाजमी, सी वी वाला प्रोजेक्ट बना लिया आपने तो उसमें बी आर का इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, तो चलो फिर मुझे दिखा देना नेक्स्ट क्लास में। नहीं लिखोगे एच वन और आएगी एच सिक्स, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। असल में लिखने में भी समटाइम मिस्टेक हो जाती है मार्कअप, कुछ क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग अगर आगे पीछे होता है ना उससे भी फ़र्क पड़ जाता है समटाइम। तो वेल, तुम मुझे दिखा देना वो कोड, क्योंकि अब हमारी एक क्लास ना इंशाल्लाह थ्योरी हुआ करेगी और एक क्लास हमारी प्रैक्टिकल हुआ करेगी ना, इस तरह से सीक्वेंस कोशिश करेंगे हम बनाने में। तो अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें ये सब हम प्रैक्टिकली करके देख रहे होंगे ना। ठीक है, तो ये बी आर एच आर सब लोग यूज़ कर चुके हैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है, अगर किसी पास कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे फिर बता दीजिएगा, हम देख लेंगे। अच्छा, अब ये जो इसका इस बुक का जो लास्ट जो टॉपिक है ना इस वाले चैप्टर का, वो क्या है, कुछ मार्कअप ना ये कह रहा है कि क्या होते हैं, सिमेंटिक मार्कअप्स होते हैं। ठीक है, और कुछ मार्कअप्स होते हैं स्ट्रक्चरल मार्कअप्स। ये नाम ये भूलना नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो मैं अब बताने लगा हूँ ना इस बुक के अंदर जो ये लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर के अंदर जो लास्ट टॉपिक आज के दिन हम पढ़ने लगे वो हम ये वाली चीज़ पढ़ने लगे। सिमेंटिक मार्कअप्स, हम ऐसे मार्कअप्स को कहते हैं जिसका इफेक्ट आपको स्क्रीन पर नज़र नहीं आता है। सही है, सिमेंटिक मार्कअप, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रक्चरल मार्कअप तो हम पढ़ते जा रहे हैं शुरू से, एच वन पैराग्राफ, ये सब स्ट्रक्चरल मार्कअप्स हैं। इस मार्कअप का जो रिजल्ट है ना वो स्क्रीन पे आप उसको नोटिस करते हैं, आप देख सकते हैं कि अच्छा यार इस तरह से ये मुझे दिख रहा है। सिमेंटिक मार्कअप हम उन मार्कअप्स को कहते हैं
जो आप लगाएंगे ना जब वो मार्कअप, तो स्क्रीन पे आपको लगेगा कुछ भी नहीं हुआ, स्क्रीन पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, उनको हम कहते हैं सिमेंटिक मार्कअप्स। अच्छा, तो क्या इसके बारे में ये बता रहे हैं बात, देयर आर सम टेक्स्ट एलिमेंट्स दैट आर नॉट इंटेंडेड टू अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ योर वेब पेज। कह रहे हैं HTML शुरू में तो उसने बोल दिया कि HTML क्या करता है, स्ट्रक्चर बताता है पेज का, स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी मार्कअप हैं इसमें जो जब आप लगाएंगे ना तो स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आएगा उससे कुछ, और दे आर नॉट मेंट टू चेंज द स्ट्रक्चर, वो ये करने के लिए बने भी नहीं है। अब तो वो क्या करने के लिए बने, दे ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू द पेज, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। अब वो क्या करते हैं वो एक एक करके हम देखते हैं सारे सेमेंटिक मार्कअप, तो पता चलेगा फिर। दे आर नोन एज सिमेंटिक मार्कअप, ये इन्होंने यहाँ पे लिख के ना ये डेफिनेशन पूरी कर दी। अच्छा, इन द रेस्ट ऑफ द चैप्टर यू विल मीट सम मोर एलिमेंट दैट विल हेल्प यू व्हेन यू आर एडिंग द टेक्स्ट ऑन योर पेज, EMEM। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग और एम्फेसाइज जो है ना, ये सबसे पहली इसने एग्जाम्पल दिए कि ये क्या है, सिमेंटिक मार्कअप है, इसका स्क्रीन में कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आता है। अच्छा, अब आप ज़रा इसको गौर से देखेंगे, जहाँ पे इसने जहाँ पे स्ट्रॉन्ग का मार्कअप जो लगाया हुआ है ना, वो किस पे लगाया हुआ है, ये बेवियर करके एक वर्ड लिखा हुआ है, इसके ऊपर लगाया हुआ है, और नीचे रिजल्ट में ये बेवियर का जो वर्ड है ये क्या बन गया, बोल्ड बन गया। अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, मैं इस वक्त लाइन नंबर पेज नंबर 51 पे मौजूद हूँ, ठीक है। तो इसने स्ट्रॉन्ग का जो मार्कअप लिखा है उसका जो स्क्रीन पे रिजल्ट आया है वो आया है बोल्ड होके नज़र आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर एक जगह पे और इसने स्ट्रॉन्ग लगाया है, जहाँ पे लिखी हुई है ना ये बात, नॉट सूटेबल फॉर चिल्ड्रन अंडर 5 years old, इस पे भी इसने स्ट्रॉन्ग लगाया, तो ये पूरी लाइन बोल्ड होके नज़र आ गई है नीचे रिजल्ट में। तो ये बोल्ड से भी कर सकते हैं, सही है, और यही सेम काम स्ट्रॉन्ग से भी हो रहा है। तो वो यही बताना चाह रहा है कि ये दोनों से काम हो रहा है। तो बोल्ड में और स्ट्रॉन्ग में क्या फर्क है, फर्क ये है कि बोल्ड जो है वो क्या है, स्ट्रक्चरल मार्कअप है, वो सिर्फ स्क्रीन पे बोल्ड करके दिखा देता है, दैट्स इट। स्ट्रॉन्ग जो है वो एक सिमेंटिक मार्कअप है, वो बोल्ड वाला काम तो कर रहा है लेकिन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर रहा है जो स्क्रीन पे मुझे नजर नहीं आ रही। तो इसके बारे में इसने क्या लिखा है, द यूज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इंडिकेट्स दैट इट्स कॉन्टेंट हैज अ स्ट्रॉन्ग इम्पॉर्टेंस, फॉर एग्जाम्पल द वर्ड कंटेन दिस एलिमेंट माइट बी सेट विद अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज, बाई डिफॉल्ट ब्राउजर विल शो द कॉन्टेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इन बोल्ड। तो ये कह रहा है कि बोल्ड का काम ना बोल्ड करके दिखा, वो स्ट्रॉन्ग का काम ना बोल्ड करके दिखाना नहीं है, लेकिन मोस्ट ब्राउजर ना उसको बोल्ड करके दिखाते हैं। स्ट्रॉन्ग का काम ये क्या बता रहा है कि अगर उस जुमले को पढ़ा जाएगा तो उसको ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्गली पढ़ा जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर जैसे बेवियर लिखा हुआ है ना, पॉकेट पिकर ऑपरेट इन दिस, पॉकेट पिकर कहते हैं जेब कतरे को, तो अगर हाँ वो बेवियर का मतलब है कि होशियार, जेब कतरे घूम रहे हैं, सही है। तो एक इसको पढ़ने का तरीका क्या हो सकता है, सीधा तरीके जो बगैर किसी एम्फेसाइज के, बगैर किसी स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज के उसको पढ़ूँ, तो ठीक है, तो क्या पढ़ूँगा मैं, बेवियर पॉकेट पॉकेट पिकर्स, अच्छा पिक पॉकेट्स, ये उन्होंने पॉकेट पिकर्स कहते हैं वैसे, हाँ वेल, अगर मैं इसको सीधा सीधा पढ़ूँ तो मैं पढ़ूँगा बेवियर पॉकेट पिकर ऑपरेट इन दिस एरिया, इस तरीके से पढ़ूँगा। लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज के साथ पढ़ूँ तो शायद इसको मैं डिफरेंट तरीके से कहता हूँ, मैं कहूँगा बेवियर पॉकेट पिकर ऑपरेट इन दिस एरिया, ऑपरेट्स इन द सिटी, जो भी बात है, जो भी जुमला है, जुमले से फ़र्क नहीं पड़ता, वो असल में जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो तो समझ गया ना। तो ब्राउज़र जब इसको रीड करेगा, अब आप सोच रहे होंगे यार ब्राउज़र रीड क्यों करेगा, ब्राउज़र ने आज तक बोल के बताया वेबसाइट पर ये लिखा हुआ है, तुमने यूज़ किया है, आता है। अच्छा वेल, ब्राउज़र में अब बहुत सारे ब्राउज़र में उसको रीड करने का भी ऑप्शन आ चुका है कि भाई पढ़ के सुनाया आपको वेबसाइट, लेकिन जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं उनके लिए स्पेशलाइज किस्म के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो वो देख तो नहीं सकते, तो वो वेबसाइट को सुनते हैं, तो उनको लिए उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये पहला मार्कअप हमने पढ़ा, उसके बाद एम्फेसाइज जो है, ई एम का जो मार्कअप है, ई एम का मार्कअप जो है वो इटैलिक करके दिखा रहा है,
तो ये काम तो इटैलिक से भी हो जाता है, तो ये भी क्या कर रहा है, द ई एम एलिमेंट इंडिकेट्स एम्फेसिस दैट सबटली चेंजेस द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। मिसाल के तौर पे इसने देखें तीन अलग अलग जुमले में ना तीन अलग अलग लफ्ज़ों पे क्या किया, एम्फेसाइज किया, ई एम का टैग लगाया, तो इसको तीन अलग अलग जुमले को कैसे पढ़ा जाएगा। एक ये हो सकता है, सबसे पहला वाला जो जुमला है, मैं लाइन मैं पेज नंबर 51 पे इस वक्त मौजूद हूँ, अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो ठीक है, बस ये हम टॉपिक करके हम छुट्टी करते हैं फिर। अच्छा, एक इसको पढ़ने का तरीका ये हो सकता है कि आई थिंक ईव वॉज द फर्स्ट, आईव या ईव जो भी पढ़ेंगे इसको, ईव पढ़ेंगे आई थिंक, चलो अरसलान कर देते हैं इसको उर्दू वाला नाम, ओके आई थिंक अरसलान वॉज फर्स्ट, हम्माद सही है। एक ये हो सकता है कि आई थिंक हम्माद वॉज फर्स्ट, सही है, और एक ये हो सकता है कि आई थिंक हम्माद वॉज फर्स्ट। तो तीन अलग अलग तरीके से इस जुमले को बोला जा सकता है, जिससे जुमले के जो मतलब है उसमें भी थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। तो अभी ब्राउजर को हम कैसे बताएंगे कि किस तरह से इसको बोलना है, ईएम कमांड डालेंगे, तो ईएम के जरिए बताएंगे। तो इस तरह के जो मार्कअप्स हैं जिसका स्क्रीन पे आपको कोई ऐसा खास इम्पैक्ट, बल्कि इम्पैक्ट नज़र ही नहीं आता, वो उसको इटैलिक करके दिखा रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में वो बिहाइंड द सीन कुछ मीनिंग ऐड कर रहा होता है। तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ये सिमेंटिक मार्कअप वाला वर्ड भूलना नहीं, सिमेंटिक याद रखना, सही हो गया, सिमेंटिक मार्कअप्स कहते हैं, ठीक है। नहीं और भी है भाई, ये जो क्यू है ना, ब्लॉक कोड और ये क्यू, ये सारे तो यही है ना, ये ए बी बी आर एब्रीवेशन, ठीक है, एब्रीवेशन एंड एक्रोनियम्स। वो यार अभी टेस्ट अगर लेगी तो मैनेजमेंट लेगी आपसे, मैं नहीं लूँगा, सही है, वो मैनेजमेंट ये डिसाइड करेगी कि टेस्ट लेना है क्या करना है। ये वैसे आप यार मेरा काम ही नहीं है ना, ये वो देख लेंगे ये लोग खुद ही क्या करते हैं, ये भी मुझे नहीं पता, मैं तो जितने मैं बता रहा हूँ मुझे नहीं पता कितने साल के, मुझे तो अभी इन्होंने जो बोला है पढ़ाने में पढ़ा रहा हूँ, और मैं अपने प्रॉपर नॉर्मल स्पीड से पढ़ाता रहूँगा जी। कुछ महीने क्या मतलब, कहाँ जा रहे हो? अच्छा पता नहीं, अब ये तो आपको मैनेजमेंट बताएगी कि क्या चक्कर है। वेल ये भी ख़त्म कर लेते हैं ना, अब एक दो वो जब जब वो पॉइंट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि क्या करना है, ठीक है, अभी उस चीज़ से बेफिक्र हो जाओ। अच्छा, इसी तरह साइटेशन डेफिनेशंस, कभी अगर मैंने किसी जुमले में कोई बात लिखी है तो जैसे अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है वो क्या, एक बुक का नाम है, तो मैंने साइट करके बता दिया, अच्छा यार ये बुक का नाम है। तो इस तरह के ना यहाँ पे डी एफ एन करके डेफिनेशन करीब पे अगर बतानी हो मुझे, ठीक है, तो जैसे अगर आप गूगल पे जाके लिखो ना कि डेफिनेशन ऑफ कोई भी बात लिखते हैं, डेफिनेशन ऑफ कार या डेफिनेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स ऐसे बोलेंगे आप, तो वो डेफिनेशन एक लेकर आ जाता है। तो वो असल में कहाँ से लाता है, वो इस तरह से लेकर आ रहा होता है, जो ये लिखा हुआ है ना किसी वेबसाइट पे, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, सही है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, अ ब्लैक होल इज अ रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम विच नथिंग इवन लाइट कैन नॉट एस्केप। तो अब इस पूरे पैराग्राफ में, ये पूरा पैराग्राफ क्या है, डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन किसकी है, ब्लैक होल की। तो ब्लैक होल के ऊपर देखो डी एफ एन लगाया हुआ है, ठीक है, हाँ, अब डी एफ एन का मतलब है कि ये पूरा पैराग्राफ क्या है, डेफिनेशन है, और डेफिनेशन है किसकी, ब्लैक होल की। अब अगर कोई भी लिखेगा ना डेफिनेशन ऑफ ब्लैक होल, तो गूगल उठा के ये पैराग्राफ लेकर आएगा, सही है, स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन स्क्रीन पे देखो बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा, नीचे बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। अब ये एड्रेस वगैरह भी है, सम टाइम लिखते हो ना अगर गूगल पे जाके कि भाई पिज़्ज़ा हट का एड्रेस या टेलीनॉर के हेड ऑफिस का एड्रेस क्या है, तो बता देता है, सही है, कभी लिखा है, देखा है ऐसे कभी? Yes, sir. कभी करके देख लेते हैं ना, टेलीनॉर कोई भी हम लिख सकते हैं, हेड ऑफिस एड्रेस, तो ये डायरेक्ट एड्रेस उठा के लेकर आ जाता है, ये देख रहे हो, ये मुझे डायरेक्ट इसने एड्रेस उठा के दिया है। यहाँ इसको कैसे पता चला कि वेबसाइट में इस जगह पे एड्रेस लिखा हुआ था? सर वैसे अगर हम भी इसकी लोकेशन ऑन करेंगे तो नियरेस्ट पॉइंट के लिए बता देगा। वो तो चलो दूसरी चीज़ है ना, ये तो वेबसाइट को सर्च करके लेकर आया ना,
ये इसको पता चल गया ना कि हेड ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान हेड ऑफिस 365 प्लॉट नंबर इतना इतना, ये इसको ऐसे पता चला है कि इस वेबसाइट के अंदर मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने ये एड्रेस का जो है ना मार्कअप लगाया हुआ उस पैराग्राफ में। हाँ नेक्स्ट क्लास में ये आप सब लिख कर देखेंगे। अब ये तो भाई आप बाय द वे अपने आप घर से लिख कर लाएंगे, ये प्रैक्टिस तो आप घर पे करेंगे इजीली, ठीक है। यहाँ पे जो अब वो मसले रह जाएंगे ना जो वो सॉल्व करेंगे हम फिर यहाँ, हाँ ठीक है। तो बस ये हम इसको ना यहीं तक रखते हैं। सिमेंटिक मार्कअप समझ आ गया, जो जितने भी सिमेंटिक मार्कअप इसमें बताए गए ना वो सब एक एक दफ़ा चला के देख लेना, ठीक है, कि उस पर स्क्रीन पर कुछ नज़र आता है कि नहीं आता।